सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। रवि सर के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन आज हम जो उनकी मीठी याद में जो आज हम सब सम्मिलित हुए हैं, रवि सर के बारे में अगर मैं कहूँ तो ना केवल उन्होंने पत्रकारिता में लोगों को मौका दिया आगे आने के लिए, लेकिन उन्होंने सोसाइटी में से भी ऐसे लोगों को मौका दिया जो कि वाकई ही कुछ सोशल में करना चाहते थे। मेरी रवि सर के साथ मुलाकात उस वक्त हुई जहाँ पर एजुकेशन सेक्टर को लेकर जहाँ मेरी पर्सनल रुचि है, तो उस सिलसिले में उनसे हमेशा बात हुआ करती थी और इस एजुकेशन सेक्टर को लेकर वो हमेशा मुझे कहा करते थे कि देशिंदर आपको कुछ ऐसा करना चाहिए, आपको कुछ ऐसा करना चाहिए। कई विषयों पर एजुकेशन सेक्टर पर उन्होंने मेरी जो न्यूज़ थी उसको कवर की है। रवि सर का एक जो विश्वास उन्होंने जिंदगी में अपने किया है, जो आप सबने भी विटनेस किया होगा, कि उनका जो माध्यम था वो एक सच्चाई पर था। वो सिर्फ बोलने के लिए सच्चाई पर जीने की बात नहीं करते थे। रवि सर हमेशा कहते थे कि तेजिंदर जी, मैं उस प्रभु के आज्ञा में जीता हूं, क्योंकि मुझे कब ऊपर जाना है मुझे नहीं पता। मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता कि जब मैं ऊपर उस प्रभु को मिलूं तो मुझे कुछ ऐसा लगे कि मैंने गलत किया। और ये उनकी जिंदगी का जो फल उनके काम करने की कार्यशालिता में भी उन्होंने दिखाया। अगर कोई चीज गलत है वो कभी भी हिचकिचाए नहीं उस गलत चीज को दिखाने के लिए, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म पे उन पर कितना भी कोई बात कर रहा हो। कोई भी ऐसी चीज को उन्होंने कभी भी छुपाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका मान्यता यही थी कि प्रभु को कब मिलना है कैसे मिलना है वो क्षण का कुछ पता नहीं, तो मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा जहां पर मेरे जीवन में जीते जी मुझे मौत आ जाए। क्योंकि उनका ये भी हमेशा कार्य के साथ साथ उनका हमेशा मुझे भी मैसेज मिलता था कि हम दो टाइप की जिंदगी जीते हैं, एक मरते तो तब है जब शारीरिक रूप में हम मर जाते हैं, लेकिन एक मरना वो भी होता है हमारा जब हम कुछ जानते हैं सच्चाई को और उसको हम दबा देते हैं, तो वो भी एक हमारा मरना है, जीते जी मरना है। और मुझे बहुत गर्व है कि रवि सर ने सोशल प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो एनवायरमेंटल इश्यूज हो, चाहे वो एजुकेशन के हो, या कई ऐसे विषय हो सोशल के ऊपर, उन्होंने कभी भी वो विषय को ऊपर लाने के लिए कभी भी कोई ऐसा डर या कभी भी कोई ऐसी हिचकिचाहट महसूस नहीं। क्योंकि अभी जो साहब बता रहे थे कि उनका तो वो थीम ही है कि लोगों के उनका डेयर टू टॉक द ट्रुथ, और वो ट्रुथ पर ही चले, और आज ट्रुथ के साथ ही उनकी जिंदगी जो है एक बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत हुई है। मैं अपनी तरफ से पूरे परिवार NMDB के लिए पूरी तरह स्नेह व्यक्त करता हूँ, और जो नुकसान इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन रवि सर के रूप में NMDV चैनल और वो सभी लोग जो NMDV के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि उस प्लेटफॉर्म को लेकर हम सब एक अलग तरीके की शुरुआत NMDV और हमारे इस नवी मुंबई के अंदर करेंगे। जो नुकसान रवि सर के जाने से परिवार को हो रहा है और हम सबको हो रहा है, उसके लिए हम भगवान से सिर्फ इतनी ही प्रार्थना करेंगे कि जिन सच्चाइयों पर वो चले उन्हीं सच्चाइयों के साथ हम भी प्रेरित होकर उसी राह पर चले।